अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, मज़े से होंगे। आज हम बड़ा मज़े का हलवा बनाने जा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। गाजरों का हलवा बनाना बड़ा ही आसान है, थोड़ा मेहनत का काम है, मेहनत से बनाएंगे। ये ग्रेटर की मदद से मैंने इनको कर लिया है ग्रेट। मेरे पास ये चॉपर था, इसी के अंदर ग्रेटर था, उसकी हेल्प से मैंने कर दिया। कद्दू का जिस तरह जिसको हमने कर लिया, हल्की सी फ्लेम चलाएँगे और इसके ऊपर अपनी कैरेट को रख देंगे। कैरेट को हमने पहले लो फ्लेम पे रखना है, जब कैरेट अपना सारा पानी छोड़ देंगी तो हमने फिर इसका फ्लेम हाई करना है। लेज ध्यान ये रखना है कि आपकी कैरेट जल ना जाए, वो चम्मच चलाते रहना। कैरेट ने देखे जी सारा पानी अपना छोड़ दिया। हम अगर इसी स्टेज पे दूध वगैरह ऐड कर देंगे तो बनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस तरह आसानी से बनाया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दे, अगर कर दिया तो थैंक यू। लें जी पानी को ड्राई करते हुए ही गाजर हमारी गल गई। अच्छे से हमने इसकी बनाई करनी है और पानी इसका जैसे थोड़ा सा रह जाएगा इसके अंदर हम शुगर ऐड कर देंगे। शुगर को ऐड करते साथ ही जो पानी और शुगर पानी छोड़ेगी ना, दोनों इकट्ठे से ड्राई हो जाएंगे, एक एक दफ़ा में ही सारी मेहनत हो जाएगी। जब इन दोनों चीज़ों का पानी थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा, हमने अच्छे से ध्यान से इसको मिक्स करते जाना है, चम्मच चलाते जाना है, कहीं से लगने नहीं देना। इस स्टेज के ऊपर आके हमने इसके अंदर ऐड करनी है। कढ़ाई की तरफ ना देखिएगा, ऐसा होता है ऐसे कामों में, ठीक है जी। थोड़ा सा पानी रह जाएगा, हम इसके अंदर देसी घी डालते हैं। देसी घी डालने के साथ हम इसकी भुनाई करेंगे। देसी घी में इसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर बनता है। आप ऑयल बटर जो यूज़ करना चाहती हैं वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अच्छे से चम्मच चलाते जाना है ताकि ये कहीं से लगे नहीं, लग गया तो स्मेल आएगी, स्मेल से अच्छा नहीं बनेगा। कोई हम इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर नहीं डाल रहे, इसके ही नेचुरल कलर में इसको हम बना रहे हैं। क्या कमाल का हलवा बना, मैं कहती हूँ आला, ज़बरदस्त, बाजार से कई गुना अच्छा बना और इतना मुलायम और सॉफ्ट बना, मैं कहती हूँ आप बनाएंगी तो पता चलेगा कैसा बना। सही है ना, बताने से तो नहीं मैं कर सकती, लेकिन आप देख ज़रूर सकती हैं कि कैसा बना। सही है, जैसे ही हमने इसकी अच्छी से बनाई कर दी, हमारा ऑयल सेपरेट हो गया, पानी इसमें से बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमने इसके ऊपर खोया डाल देना है, जितना आपका मर्ज़ी दिल करता है आप उतना मर्ज़ी डालें। ये हर बंदा अपने तरीके से बनता है, मैंने इस तरीके से बनाया, मुझे ये आसान लगा इसी से बनाया, ऊपर बादाम और पिस्ता डाला। ले जी ज़बरदस्त सा हमारा हलवा हो गया तैयार। देखें जी कमाल, खाने में लाजवाब। अच्छी अच्छी वीडियो देखनी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।